इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, जो कि है एक्सरसाइज 6.3 से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th। इसमें हमें गिवन दिया हुआ है, ये जो लाइन है पी क्यू ये परपेंडिकुलर है पी एस के, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यानी ये लाइन इस लाइन के एस आर के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है एस टी के भी पैरेलल होगी, क्योंकि आर जो है इसी के ऊपर आ रही है, इसी एस टी के ऊपर। और हमें ये एंगल दिया हुआ है एस क्यू आर 28 डिग्री और क्यू आर टी भी गिवन है 65 डिग्री। इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स जो है वो हमें ऑल्टरनेट एंगल के ज़रिए से मिल जाएगा। सॉल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे, मैं देखूँ अगर यहाँ पर, यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है एस आर के, तो इसमें क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों लाइन को क्यू और आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा एंगल, यानी एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर टी के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, और ये जो पी क्यू आर है वो एंगल एक्स 20 प्लस 28 के बराबर है, और क्यू आर टी हमें गिवन है 65। तो मुझे एक्स पता चल जाएगा 65 में से 28 को माइनस करके, जो कि हो जाएगा 37 डिग्री। अब मुझे पता करना है वाई। अब मैं देखूं ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर, पी क्यू एस, और इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों का सम 180 होगा। मुझे एक्स पता चल चुका है जो कि है 37, इन दोनों का ऐड करने से ये हो जाएगा 127 प्लस वाई इक्वल टू 180। वाई जो है मुझे पता चल जाएगा 180 में से 127 को माइनस करके, तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ x और y पता करना था।